आज विवेक ओबेरॉय की गिनती बॉलीवुड के उन कलाकारों में होती है जो पर्दे पर हर तरह की भूमिका निभाने में सक्षम हैं। 3 सितंबर 1976 को भारतीय परिवार में जन्मे विवेक ओबेरॉय ने अपने अभिनय की शुरुआत सन 2002 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी से की थी। अपनी पहली ही फिल्म में विवेक ओबेरॉय ने इतना जबरदस्त अभिनय किया था कि उनको उसी साल फिल्म फेयर बेस्ट मेल डेब्यू और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के खिताब से नवाजा गया था। जब बात कॉमेडी की आई तो उसमें भी विवेक ओबेरॉय ने ऐसा कमाल का अभिनय किया कि बड़े से बड़ा कॉमेडी स्टार विवेक ओबेरॉय के सामने बौना साबित हो गया। फिल्मों में अपार सफलता प्राप्त करने के बाद विवेक ओबेरॉय ने 29 अक्टूबर 2010 में कर्नाटक के मंत्री जीवन अल्वा की बेटी प्रियंका अल्वा से विवाह रचा लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभिनय की प्रेरणा विवेक ओबेरॉय को घर से ही मिली थी। विवेक ओबेरॉय के पिता सुरेश ओबेरॉय बॉलीवुड के बड़े कलाकार हैं, जिनके अभिनय के हम सभी फैन हैं। हम यही दुआ करेंगे कि विवेक ओबेरॉय जल्द ही किसी बड़ी सुपरहिट फिल्म में फिर दिखाई दे और अपने फैंस यूं ही मनोरंजन करते रहे।